आपका बाइक 50 रुपीज में 60 किलोमीटर माइलेज देता है, क्या आपके बाइक में रिवर्स का ऑप्शन है, क्या आपके बाइक में क्रूज कंट्रोल है, क्या आपके बाइक के अंदर स्टोरेज स्पेस है, क्या आपके बाइक में हैजर्ड्स का ऑप्शन है, सेफ्टी डिस्प्ले है, कलरफुल है, और जो इंटरेस्टिंग फीचर जो मैं आपको बताना चाहता था, क्या आपका बाइक रिवर्स चलता है, बिल्कुल भी नहीं, हेलमेट वगैरह इजीली कैरी कर सकते हैं। इसी के साथ कंपनी का दिया गया आपको वारंटी कार्ड भी मिलेगा, वारंटी सर्टिफिकेट, आपकी स्कूटी का चोरी होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या आपका बाइक चार्ज भी करता है, आपके सेलफोन की नोज के ऊपर जो इतनी बड़ी दी गई स्ट्रिप लाइट है, क्रिस्टल क्लियर इसकी फ्रंट हेडलाइट है, क्रिस्टल क्लियर इसकी आपको बैक लाइट मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अली खान ऑटो कंपनी। आज का रिव्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा, आप बल्कि कहें हैंडसम है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फीचर्स हैं जो कि आप सुनते हुए थक जाएंगे और मैं बोलते हुए नहीं थकूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मुझे बताएं आप कि क्या आपका बाइक 50 रुपीज में 60 किलोमीटर माइलेज देता है? नहीं ना, इतनी तो मेट्रो बस सर्विस भी सस्ती नहीं है, 50 रुपए में 60 किलोमीटर आपको ये स्कूटी माइलेज देती है। दूसरी बात मुझे आप बताएं, क्या आपके बाइक में रिवर्स का ऑप्शन है? नहीं, वो आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा क्या आपके बाइक में क्रूज कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा क्या आपके बाइक के अंदर स्टोरेज स्पेस है? वो भी नहीं। इसके अलावा क्या आपके बाइक में हैजर्ड्स का ऑप्शन है? वो भी नहीं। क्या आपके बाइक में एंटी थेफ्ट लॉक है? वो भी नहीं। तो मेरी जान, आप 1990s में रह रहे हैं, 2024 में आ जाए अली खान ऑटो कंपनी पे आए और आके ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एक इकोनॉमिक प्राइस के अंदर ईवी का जेंजी स्कूटर परचेज करें, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपको अली खान ऑटो कंपनी पे मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, अली खान ऑटो कंपनी पाकिस्तान का ईवी कंपनी का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि पूरे पाकिस्तान में आपको ऑनलाइन डोरस्टेप तक आपके स्कूटर्स प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग प्राइस जो ईवी स्कूटर्स की है वो 95,000 रुपीज है, और इसके बाद इनका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट C1 एयर 3 लाख रुपीज में, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ अली खान ऑटो कंपनी से ही मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, टाइम जया किए बगैर और बताते हैं इसके मजीद इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन, लेके चलते हैं आपको इसकी मीटर की जानेब। फ्रेंड्स, आप इस टाइम देख रहे हैं TFT डिस्प्ले है, कलरफुल है, मैं इसको ऑन ऑफ करके भी दिखाता हूं, इसमें बहुत सारे फीचर्स भी आपको नजर आएंगे। सबसे पहले बताता चलूं तो ये पार्किंग मोड पे है, इस टाइम आप देख सकते हैं पी के बटन को आपने प्रेस करना है, ये पार्किंग से हट जाएगा, रेडी लिखा हुआ आएगा, मतलब आप इस बाइक को राइड कर सकते हैं। शिफ्ट के बटन, S4 शिफ्ट का बटन जो कि राइट हैंड साइड पे आपके थ्रोटल के बिल्कुल साथ है, एस के बटन को प्रेस करते जाएंगे, यहाँ पे अपने मोड्स या गियर्स शिफ्ट करता जाएगा। फर्स्ट मोड पे ये आपको जो अपनी टॉप स्पीड देगा वो आपके सामने है 31, मैं सेकंड टाइम जब इसको प्रेस करूंगा सेकंड मोड पे ये आपको तकरीबन 39-40 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड दे रहा है, और थर्ड मोड पे जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये 45-50 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखता है। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे पार्किंग ऑप्शन है, और जो इंटरेस्टिंग फीचर जो मैं आपको बताना चाहता था, अभी ये थर्ड मोड पे है, हम इसको 45 की स्पीड में क्रूज कंट्रोल करना चाहते हैं, क्रूज लगाना चाहते हैं, तो हमने राइट हैंड साइड से इस क्रूज के बटन को प्रेस करना है। मैंने रेस से हाथ हटा दिया है और अब मेरा बाइक क्रूज मोड पे है, 45 की स्पीड पे चल रहा है, टायर रोटेट हो रहा है। तो क्या ये इंटरेस्टिंग फीचर आज से पहले आपने अपने बाइक में देखा? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए अली खान ऑटो कंपनी पे क्रूज कंट्रोल वाला बाइक परचेज करें। इसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइट्स हाई लो का ऑप्शन नजर आ रहा है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, हॉर्न का ऑप्शन नजर आ रहा है, हैजर्ड्स का ऑप्शन, पार्किंग इंडिकेटर्स जो कि गाड़ियों में आता है वो भी आपको नजर आएगा, और इसके अलावा रिवर्स मोड, अगर आप अपने बाइक को रिवर्स नहीं कर पा रहे तो अब आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, कोई जोर आजमाई करने की जरूरत नहीं है, रिवर्स के बटन को प्रेस करना और आपने कैसे रिवर्स करना तो वो हम आपको करके दिखाते हैं। ये मैं अपने स्कूटर पे बैठा हुआ हूं फ्रेंड्स, और आर के बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, प्रेस करके जब मैं रेस दूंगा तो ये मेरा बाइक रिवर्स मोड पे भी वर्किंग कर रहा है। क्या आपका बाइक रिवर्स चलता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, सीटिंग कैपेसिटी फॉर 2 पर्सन है, मैं अकेला तो इस बाइक के ऊपर बैठा हूं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एनएफ स्पेस है सेकंड पर्सन के बैठने के लिए, और जो पिलियन होगा उसकी फोर्ट्रेस कुछ यहां पर इस तरह से इस पोस्चर में आएगा, दो बंदे इसके ऊपर इजिली बैठ सकते हैं। स्टोरेज स्पेस भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बैक साइड पे दी गई बैक रेस्ट है वो भी आपको बताता चलूं, एल्यूमिनियम में है। इसके अलावा इसकी सीट ओपन करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप अपना बैग, हैंडबैग, जरूरी सामान, हेलमेट वगैरह इजीली कैरी कर सकते हैं। इसी के साथ कंपनी का दिया गया आपको वारंटी कार्ड भी मिलेगा, वारंटी सर्टिफिकेट, जिसपे आपको 1 ईयर मोटर वारंटी, 1 ईयर इसकी बैटरी वारंटी है, और 2 ईयर इसकी मोटर वारंटी भी आपको मिल जाएगी। साथ ही दिया गया इसका चार्जर भी आपको मिल जाएगा, यूज कैसे करना है वो भी बताता हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं इसका
जो स्विच है मेन ब्रेकर, इस ब्रेकर को जब आप ऑफ कर देंगे ये स्कूटी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब कोई भी आके इसको की लगाए कुछ भी करे इसको स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक आप इसकी सीट को अनलॉक नहीं करेंगे, ब्रेकर को ऑन नहीं कर लेते। तो हुई ना बात मजेदार कि आपकी स्कूटी अब चोरी होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स है वो भी हम आगे चल के आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्कूटी का चार्जर और इसके ऊपर आपको परसेंटेज भी नजर आ जाएगी 20, 40, 60, 80 और 100। जैसे जैसे ये स्कूटी आपकी चार्ज होती जाएगी आपको परसेंटेज नजर आती जाएगी। लगाना कैसे इसको चार्ज पे, कितनी टाइम में चार्ज करना वो भी हम आपको बताते हैं। यहां से अगर आपको हम दिखाते चले तो अरमगान आपको दिखाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्विच प्लग इन कर दिया। जैसे ही हम प्लग इन करेंगे और उसके बाद जो दूसरी साइड पे इसका स्विच है, किसी भी आम सॉकेट में जहां आप अपने सेल फोन इजिली चार्ज करते हैं उसी सॉकेट में इसको प्लग इन करना है। 5 to 6 hour में आप इसको इजिली फुल चार्ज कर सकते हैं, 5 to 6 hour में आप इसको इजिली चार्ज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ क्या आपका बाइक चार्ज भी करता है आपके सेल फोन, जब दौराने सफर आप अपना मोबाइल चार्ज करना चाहें और आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ना हो तो वो भी आपको ऑप्शन इसमें ईवी जेंजी स्कूटर में मिल जाएगा। अब आप अपने मोबाइल को इजीली चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे ये इसका यूएसबी पोर्ट बना हुआ है, फोन को यहाँ पे अपने साथ रख सकते हैं, केबल लगा के इसको इजीली चार्ज भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी ओवरऑल आपको एक लुक तो दिखा दी गई है, बहुत 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 मजे की जो के आई कैचिंग है। इसकी नोज के ऊपर जो इतनी बड़ी दी गई स्ट्रिप लाइट है, जहां पे फ्लैशिंग इंडिकेटर्स भी इसी में इंस्टॉल किए गए हैं। फर्दर मोर जो आप इसकी फ्रंट शेप देख रहे हैं, आउट क्लास लुक है, क्रिस्टल क्लियर इसकी फ्रंट हेडलाइट है जो कि 3 projector lights के साथ है। मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी शीट रिमूव करके, आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर इसकी व्हाइट प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दी गई हैं, जिसमें आप इसको हाई लो कर भी सकते हैं, हाई लो का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 3 projector lights मिल रही है, बहुत ब्राइट व्हाइट शार्प लाइट है, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। साइड में दिए गए इसके जो गोल्डन और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ फिन्स हैं बहुत ही खूबसूरत है। बैक साइड से भी आपको इसकी लाइट दिखाते हैं फ्रेंड्स, आप देखें बैक साइड पर भी जो इसकी लाइट है, इससे पहले आपने ऐसी ग्रेसफुल लाइट नहीं देखी होगी। जी तो हमने इसके ऊपर से शीट रिमूव कर दिया, तकरीबन आप देख सकते हैं कि नहायत ही क्रिस्टल क्लियर इसकी आपको बैक लाइट मिल जाती है, जिसके अंदर आपको साइड में कर्वी शेप में दिए गए फ्लैशिंग इंडिकेटर्स भी नजर आ रहे हैं। बैक साइड पे टेल में इसकी अलग से लाइट है, जहां पे आप अपनी नेम प्लेट या नंबर प्लेट लगा सकते हैं। ईवी कंपनी का जैसा कि मैंने आपको बताया जेंजी मॉडल है, थ्रोइंग लाइट भी इस पे नजर आ रही है। और इसके अलावा रिफ्लेक्टर भी इस पे इंस्टॉल किया गया, इनकेस आपकी लाइट्स वर्किंग नहीं कर रही तो बैक से आने वाली बाइक या गाड़ी को पता लगेगा कि कोई आगे बाइक चल रहा है। मोटर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो BLDC मोटर इसकी वाटरप्रूफ इसमें इंस्टॉल की गई है, जो कि 800 वॉट की है और कंपनी इसकी 2 years वारंटी देती है। बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे 10 inch टायर रिम साइज इसका, बैक और फ्रंट पे जो टायर इंस्टॉल किए गए हैं वो 10 inch के हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। पिलियन के राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए इसमें डुअल शॉक्स इंस्टॉल किए गए हैं, डबल स्टैंड का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है और इसके साथ सिंगल साइड स्टैंड भी इसमें इंस्टॉल किया गया है। फिर से क्या आपके बाइक में साइड स्टैंड स्विच है? नहीं ना, तो वो आपके लिए डेंजरस है। आज यानी खान ऑटो कंपनी में 2024 का फ्रेश बाइक लेके जाएं, जिसके साथ आपको सिंगल साइड स्टैंड स्विच भी मिलेगा। अब जब आपका स्टैंड नीचे होगा तो आपको कोई आवाज नहीं देगा कि भाई स्टैंड उठा लो, जब तक आपका स्टैंड नीचे आपकी स्कूटी चलेगी ही नहीं। तो इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि मुझे साइड स्टैंड इसका उठाना है, रिमूव करना है। चार्ज करने के हवाले से मैं बता दूं कि 5 से 6 घंटे आप अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद 60 किलोमीटर तक इसको राइड कर सकते हैं। बैटरीज इसमें जो इंस्टॉल की गई हैं वो ग्राफिन बैटरीज हैं, जिनकी वारंटी 1 year आपको कंपनी देती है। और इसके साथ साथ जो बैटरीज के वोल्ट्स और एम्पियर्स हैं, ये 60 volt और 23 amperes की इसमें ग्राफिन बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं। मजीद अगर आपको बताता चलूं तो 4 से 5 घंटे चार्ज करके 50 to 60 किलोमीटर आप इसको इजीली राइड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर कवर अप कर ली हैं। कोई चीजें जो रह गई हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 03155550747 है। अली खान ऑटो कंपनी सर्कुलर रोड रावलपिंडी हमारा शोरूम है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आप अपने घर बैठे हमसे ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करवा सकते हैं, अपनी स्कूटी को अपने डोरस्टेप्स पे हासिल कर सकते हैं। प्राइस की बात कर ली जाए तो इस टाइम पे जो इसकी प्राइस है फ्रेंड्स, इस तरफ अब आ जाओ, प्राइस की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो इस टाइम पे जो मार्केट प्राइस है ईवी जेंजी स्कूटर की, लोग ऑन पे इसको सेल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, 1,80,000, 1,85,000 और 1,90,000 रुपीज में। तो आपको अली खान ऑटो कंपनी पे यही जेंजी स्कूटर सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 रुपीज में मिल जाएगा।
क्या 1,70,000 रुपए का आपका कोई भी कन्वेंशनल बाइक जो आप यूज करते हैं उसमें ये लातादात फीचर्स आपको मिलते हैं? नहीं मिलते। तो ये बात है सोचने की, लम्हा फिक्रिया है। आप आ जाएं 2024 में 1990 वाले बाइकों से अब अपनी जान छुड़ाएं और आए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जानी, पेट्रोल को कहें बाय बाय और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जानी रुख करें। उम्मीद करते हैं आपको रिव्यू पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।